तो गाइस अगर आप लोग भी फ्री फायर खेलते हो तो आप लोगों ने फ्री फायर के अंदर एक आईडी तो जरूर बनाई होगी और उसके अंदर कोई ना कोई बंडल्स तो जरूर निकाले होंगे। लेकिन कभी ना कभी मेरी तरह आप लोगों ने एक बात तो जरूर सोची होगी कि हम लोग अपने रियल के पैसे खर्च करते हैं और उसके बदले में हमें सिर्फ गेम के अंदर ड्रेस मिलती है, रियल लाइफ में तो कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन क्या होता अगर हम लोग फ्री फायर के ड्रेसेस को रियल लाइफ में खरीद पाते? गाइस आज की वीडियो इसी टॉपिक में होने वाली है। मैं आपको फ्री फायर के कुछ ऐसे ड्रेसेस दिखाऊंगा जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये हमारे फ्री फायर का एक बहुत ही फेमस बंडल है जो कि हिप हॉप बंडल, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। और बस इतना ही नहीं, उसके साथ और भी बहुत सारे बंडल्स ऐसे हैं जिसको एक बंदे ने रियल लाइफ में बनाया है। और जैसे वो बंडल्स हमारे गेम के अंदर दिखते हैं, रियल लाइफ में वो सेम वैसे ही दिखते हैं। और यार सच बताऊं तो वो सारे बंडल रियल लाइफ में तो और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलो फिर अपने इस वीडियो को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार उससे पहले वीडियो के लास्ट के जो दो बंडल्स होने वाले हैं वो इस वीडियो के बेस्ट बंडल होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और एक बार आप लोग चेक कर लेना कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है ना। अगर आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि वीडियो तो रेगुलरली देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो अगर आप लोग भी उनमें से एक हो तो भाई कर दो यार सब्सक्राइब। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले ड्रेस के साथ। तो चलो गाइस आप लोग गैस करने की कोशिश करो ये कौन सा ड्रेस हो सकता है। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए इस बंदे ने यहाँ पर ब्राउन कलर के शूज लिए हैं। उसके अलावा यार ये पैंट कहीं गेम में मैंने देखी तो है लेकिन यार याद नहीं आ रहा है कौन से बंडल की पैंट है। एंड इसके बाद में देख सकते हो भाई यहाँ पर इस बंदे ने एक जैकेट डाल लिया। अब यहाँ पर भाई ये बंडल मुझे समझ में आ गया कौन सा है, लेकिन चलो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप लोग गैस करो ये बंडल कौन सा हो सकता है। तो देख सकते हो यहाँ पर इस बंदे ने एक जैकेट डाली, उसके अलावा येलो कलर की पैंट है, इसके बाद में गले में एक लॉकेट भी डाला है। तो यहाँ पर ये बंदा आधा तो तैयार हो चुका है। चलो अब देखते हैं इसके बाद ये बंदा और क्या क्या लगाता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट चीज इस बंदे ने ऐड करी है वो है इस बंदे के ग्लव्स। देख सकते हो यहाँ पर इसने ब्लैक कलर के ग्लव्स डाले हैं और भाई अब तो मुझे कंफर्म हो गया ये वही बंडल है। तो गाइस ये हमारा फ्री फायर का एक टाइम का सबसे फेमस बंडल हमारा स्कल मास्क। और देख सकते हो यार इस बंदे ने क्या ही तो खतरनाक बनाया है। I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames are whipping up, you just gotta hand me the rock. तो गाइस आप लोगों ने देखा भाई इस बंदे ने कितना खतरनाक स्कल मास बंडल बनाया है। और इस बंडल का जो मेन स्कल मास था वो इस बंदे ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो यार ये चीज तो इसको और भी ज्यादा ओपी बनाती है। तो चलो गाइस अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा सेकंड बंडल। तो देख सकते हो हमारा जो सेकंड बंडल बन रहा है इसके लिए इस बंदे की बॉडी पे कुछ पेंट कर रहे हैं लोग। अब ये गोल सा भाई ये कौन सा बंडल में होता है अभी तक तो मुझे कोई आइडिया नहीं है ये लोग यहाँ पर कौन सा बंडल बनाना चाह रहे हैं। शायद ये बीच बॉय वाला बना रहे होंगे, यार उसमें ऐसी बॉडी होती है लेकिन भाई उसमें ऐसे डिजाइन थोड़ी होते हैं। तो यहाँ तक इस बंदे ने आधा जो हमारा ड्रॉइंग है वो कम्प्लीट कर लिया है लेकिन भाई अभी तक समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये बंदा बनाना क्या चाह रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर आधा सूरज टाइप का कुछ बनाया, उसके बाद में ऐसी लाइंस बनाए जा रहा है। तो भाई आधे घंटे तक पेंटिंग करने के बाद फाइनल यहाँ पर इस बंदे ने कोई ड्रेस पहनी है। एंड गाइस आप लोग भी मेरे साथ जो चैलेंज है उसको कंप्लीट करते रहो। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये कौन सा बंडल है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस बंदे ने स्कर्ट टाइप का कुछ पहना है, उसके बाद में इस बंदे ने हाथ पे क्या पहना है। और यार ये बंदा तो किसी आदिवासी की तरह लग रहा है। अरे हाँ याद आया हमारे फ्री फायर में भी तो एक आदिवासी वाला बंडल है। अब तो भाई मैं 100% कन्फर्म हूँ ये बंदा वही बनने की कोशिश कर रहा है। और यार देख सकते यार जो ड्रेस है भाई एकदम हमारे फ्री फायर वाले ड्रेस की तरह ही लग रहा है। चलो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस आप लोगों ने देखा ये वाला बंडल चाहे हमारे फ्री फायर में कितना भी बेकार लगता हो लेकिन भाई रियल लाइफ में एकदम ओपी लग रहा था। तो चलो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा बढ़ते हमारे बंडल नंबर 3 की ओर। तो देख सकते हो थर्ड बंडल को ये बंदा पहनेगा। तो यहाँ पर इस बंदे ने शूज पहने। अब यार ये वाले शूज कौन से बंडल के? खैर छोड़ो यार शूज तो वैसे भी हर बंडल के सेम ही होते हैं, हमें तो मेन ड्रेस देखनी है। और गाइस ये बात को तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस वाले ड्रेस को तो आप लोग बिल्कुल भी गैस नहीं कर पाओगे। चलो देखते हैं जितने बंदों ने भी गैस कर लिया है तो गाइस उन्हें चीटिंग नहीं करनी है, उन्हें नीचे जाकर कमेंट में बताना है आखिरकार ये बंदा कौन सा बंडल पहनने वाला है। और जो भी बंदे इसका सही आंसर सबसे पहले देंगे तो उनमें से दो बंदों को मैं दूंगा 1,000 डायमंड्स। तो अपने कमेंट के साथ में यूआईडी भी दे देना। एनीवेज बात के लिए ड्रेस की तो गाइस देख सकते हो यार यहाँ पर ये बंदा कुछ अजीब सी चीज पहन रहा है। यार ये कौन से बंडल की है, ये तो आज तक अभी फ्री फायर में आया भी नहीं है। लेकिन चलो फिर भी हम लोग आगे देखते हैं भाई आखिरकार ये कौन से बंडल में। तो यहाँ पर इस बंदे ने एक हाथ में तो स्लीव पहनी थी, उसके बाद में दूसरे हाथ में पता नहीं कौन सी स्लीव पहन रहा है। एंड इसके बाद में यहाँ पर इस बंदे ने जैकेट डाल ली है। अब यार यहाँ पर ये बंडल मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। गाइस यार ये बंडल तो कोई और नहीं है बल्कि अपना आलोक का ही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस बंडल का फाइनल लुक। Flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.
वैसे यार बंदे ने बंडल तो काफी बढ़िया बनाया था, लेकिन बंदा थोड़ा सस्ता आलोक लग रहा था। लेकिन यार फिर भी हम लोग इसको ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि इस बंदे ने इसके लिए बहुत मेहनत करी होगी, तब कहीं जाकर ये बंदा ऐसा बंडल बना पाया। तो चलो गाइस इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट बंडल। तो गाइस नंबर 4 पे जो हमारा बंडल आता है, इसके लिए देख सकते हो इस बंदे ने इतने ढेर सारे कॉस्ट्यूम कलेक्ट करे। यहाँ पर सबसे पहले तो चप्पलें रखी हुई है, उसके बाद में पर्पल कलर की क्लॉथ है और साइड में भाई ये क्या है, ये राक्षस का वो तो भाई हमारे सीजन 1 के एलाइट पास का है। तो जहां तक मुझे लग रहा है ये बंदा हमारे सीजन 1 का एलाइट पास का जो मेन बंडल है उसको बनाने वाला है। चलो यार मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिरकार ये बंडल रियल लाइफ में कैसा लगेगा। तो यहाँ पर इस बंदे ने व्हाइट कलर की स्टेप कलेक्ट करी है, तो यार इसको ये हाथ में बांधेगा जैसे कि हमारे सीजन 1 के एलाइट पास के बंडल में होता है। इसके बाद में देख सकते हो इस बंदे ने उठा लिया हमारे सीजन 1 के एलाइट पास का मास्क, और ये सीजन 1 का जो मास्क है हमारे गेम के अंदर तो अच्छा लगता ही है लेकिन रियल लाइफ में भी उतना ही खतरनाक लग रहा है। चलो गाइस हम लोग देख लेते हैं आखिरकार इन सब ड्रेसेस को पहनने के बाद फाइनल लुक कैसा आता है। तो गाइस आप लोगों ने देखा भाई हमारा जो सीजन 1 का बंडल था रियल लाइफ में कितना अच्छा लग रहा था। तो चलो गाइस अभी हम लोगों ने सीजन 1 का एलाइट पास देख ही लिया है, तो अभी हम लोग सीजन 2 भी देख ही लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सीजन 2 की जितनी भी चीजें होती हैं जैसे कि पैंट शर्ट और हिप हॉप बंडल का कैप और स्कार्फ और भी बहुत कुछ, तो वो सभी चीजें बंदे ने यहाँ पर लाकर रखी है। और ये जो आप लोग टेबल देख रहा हो यहाँ पर पूरा हमारा हिप हॉप बंडल रखा हुआ है। गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये रही हमारी हिप हॉप बंडल की पैंट, तो वैसे तो एक नॉर्मल पैंट है लेकिन सिर्फ इस पे एक स्टिकर लगा दिया और उसके बाद में ये बन गई हमारी हिप हॉप बंडल की पैंट। इसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है हमारी हिप हॉप बंडल की शर्ट जो कि मेन शर्ट के नीचे होती है और ये नॉर्मल सी एक व्हाइट शर्ट है। और फिर इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट चीज आती है वो है हमारी हिप हॉप बंडल की चेन, इसके बिना तो हमारे हिप हॉप बंडल अधूरा है। हिप हॉप बंडल की मेन शर्ट तो यही होता है। और इसके बाद में हम लोग मास्क को तो भाई कैसे ही भूल सकते हैं। तो गाइस देख सकते हो ये रहा हमारा हिप हॉप बंडल का मास्क जो कि देखने में काफी सही लगता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है वो है हमारी हिप हॉप बंडल की कैप। लास्ट में आता है हमारे हिप हॉप बंडल के शूज, तो देख सकते हो ये भी सेम एकदम हमारे हिप हॉप बंडल वाले शूज की तरह ही है। चलो गाइस हम लोग इस बंदे को पूरा बंडल पहनने देते हैं, इसके बाद में देखते हैं इसका फाइनल लुक। Quem não conhece os três famosos do meu clube? Mandrake original que veio lá da zona sul. Campeão mundial, camisa do timão. Só dando vermelho, irmão, não dá, eu sou Nobru. Eita, Nobru zera pelão. Ih, Nobru, mas você falou a mesma coisa, mano. Mas não dá, irmão, só pilão, é só papo. तो गाइस आप लोगों ने देखा भाई हमारा जो असलियत का हिप हॉप बंडल था वो भी कितना ओपी लग रहा था। तो गाइस यहाँ तक हमारे जो 5 ड्रेस थे वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ आज की वीडियो के लिए एक ड्रेस मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा रख दिया। तो गाइस यहाँ पर आप लोग हमारा बंडल देख सकते हो। तो गाइस ये बंदा कुछ व्हाइट कलर का बंडल पहन रहा है, चलो देखते हैं हमारे बंदा कौन सा बंडल पहनाने वाला है। और देख सकते हो यहाँ पर जितनी भी चीजें यूज कर रहा है उसको इस बंदे ने खुद बनाया है, वो भी कार्डबोर्ड से। ये चीज तो और भी ज्यादा ओपी है। तो देख सकते हो यहाँ पर इसने कोई व्हाइट कलर की पैंट बनाई है अब जहां तक मुझे लग रहा है। तो गाइस ये हमारे काउबॉय वाला एलाइट पास है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इस बंदे ने जैकेट वगैरह थी वो तो पूरी पहन ली है। इसके बाद में जो हमारा बंडल होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बस यहाँ पर सिर्फ मास्क और एक कैप बाकी है। और गाइस इसी के साथ यहाँ पर हमारा जो पूरा बंडल था वो कंप्लीट हो चुका है और देख सकते हो इसका फाइनल लुक। तो गाइस आप लोगों ने देखा भाई ये वाला बंडल भी इस बंदे ने काफी ओपी बनाया। तो गाइस बस ये थे आज के कुछ बंडल जो कि मुझे आपको दिखाने थे। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बताना इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना और भी ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।